खराब खान पान, बिगड़ती दिनचर्या और लापरवाही के कारण से कई तरह की समस्या होती है, इसी में से एक हर्निया है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहित आज आपको हर्निया के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हर्निया बेसिकली पेट की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने की वजह से पेट में से आंतों का बाहर आना या पेट का कोई कंटेंट बाहर आना और लेटते वक्त वापस अंदर चले जाना, उसे हम हर्निया कहते हैं। हर्निया के कई प्रकार है। पहली बात बात करेंगे सबसे कॉमन हर्निया की, इंग्विनल हर्निया। यह इंग्विनल हर्निया बेसिकली पेट और जांग के कमज़ोर हिस्से में होता है और यह मोस्टली पुरुष में होता है। फीमोरल हर्निया, फीमोरल हर्निया जांग के ऊपरी हिस्से में होता है और यह महिलाओं में कॉमन होता है। इंसिजनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया सर्जिकली ऑपरेशन के बाद देखा गया, ज़्यादा देखा गया। इसके बाद बात करेंगे एपिगेस्ट्रिक हर्निया, यह हर्निया ब्रेस्ट बोन और पेट के बीच वाले हिस्से में होता है। डायफ्रामेटिक हर्निया, यह हर्निया अंदर बाहर से नहीं दिखता है और यह इसका जो स्टमक का कंटेंट है वो चेस्ट के ऊपर आ जाता है। अब बात करेंगे हर्निया के लक्षण। हर्निया के लक्षण में आपको पेट में खिंचाव, मुड़ाव, मल त्यागने में परेशानी, सीने में जलन, उल्टी आना, यह हर्निया के लक्षण है। हर्निया को पहचाने कैसे? हर्निया को पहचानने के लिए आप हर्निया का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसमें आपका पेशेंट को बल्ज दिखाया जाता है और खांसते वक्त अगर पेशेंट को खांसने में तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, तो वो हर्निया को कन्फर्म कराते हैं। हर्निया का उपचार, हर्निया के उपचार के लिए पहले की बात करें तो पहले के टाइम पे टांके से हर्निया का ऑपरेशन होता था, जहाँ पे टांके लिए जाते थे। आज की बात करें तो दूरबीन से ऑपरेशन होता है। उससे पहले बात करें कि हर्निया का ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। हमारी बॉडी में अगर कहीं पर डिफेक्ट होता है या किसी भी चीज़ को, तो उसे रिपेयर की आवश्यकता रहती है, इसके लिए हमें ऑपरेशन करना आवश्यक रहता है। हर्निया के लिए अभी दूरबीन से होल करते हैं और वहाँ पे मैश लगाते हैं, वो मैश मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उस मैश का नाम है पॉलीप्रोफिलिन मैश। यह मैश लगाने के बाद पेशेंट पहले ही ऑपरेशन के एक ही दिन में वो स्वस्थ महसूस करता है खुद को। वहाँ पे बात करें कि अगर टांकों से लिया गया ऑपरेशन में 2 से 3 महीने पेशेंट को लग जाते हैं ठीक होने में, तो यही है ऑपरेशन जो अभी मॉडर्न साइंस का जो ऑपरेशन है अभी दूरबीन से, लैप्रोस्कोपिक उसे ऑपरेशन कहते हैं, उसके ये बेनिफिट हैं। हर्निया होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप क्या चीज़ ध्यान में रखें, तो आप अपना पेट साफ रखें, ज़्यादा वज़न ना उठाएं, वज़न उठा रहे हैं तो उसे लिमिट में उठाएं, धूम्रपान छोड़ें, अस्थमा वाले कफ वाले लोगों को परेशानी हो सकती है तो उसका ध्यान रखें, और अपने मसल्स अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके लिए आप फाइबर्स रिच फूड खाइए और एक्सरसाइज करिए, जो कि आपको ज़्यादा जोर वाली एक्सरसाइज ना करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, तो उससे आपको हर्निया से बचने के काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं। तो यही थी हर्निया के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोगों तक पहुँचाएं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।